दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप UMT का स्वामी का 10 क्रेडिट पैक ले चुके हैं या लेने वाले हैं, और अगर आप ले चुके हैं तो बार बार सर्वर ऑफलाइन ऑफलाइन बता रहा है या नेटवर्क बिजी बता रहा है, तो इसका क्या कंडीशन है, इसका क्या प्रॉब्लम है और बार बार सर्वर ऑफलाइन क्यों है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहें और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस तरह से आपको देखना है जेएसएम फॉर्म में कि UMT टीम ने जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में क्या जो है उन्होंने बताया है, ठीक है। तो चलिए पहले आपको देखने के लिए आप करना ये है कि आपको यहाँ पे गूगल में टाइप करना है UMT सेटअप जेएसएम। सबसे ऊपर में आपको जेएसएम फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसके बाद इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे की ओर जरा स्क्रॉल करेंगे आप यहाँ पे, तो उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे दिखाई देगा UMT सर्वर ऑफलाइन। चलिए मैं आपको दिखाते हैं यहाँ पे। दूसरी बात, अगर कोई भी सेटअप डाउनलोड करना है UMT का, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और UMT का जो सर्वर ऑफलाइन है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, UMT क्रेडिट सर्वर ऑफलाइन। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। तो यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद इन्होंने जो है UMT सर्वर क्रेडिट के बारे में जो है 10 क्रेडिट पैक है इसके बारे में इन्होंने बताया है यहाँ पे। तो दोस्तों UMT टीम ने अपनी ओर से यहाँ पे पूरा जो खुलासा कर दिया है, इन्होंने यहाँ पे नंबर 6 पर इन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारी जो है Xiaomi से और UMT टीम के बीच में जो है इनका जो है जो गठबंधन है क्रेडिट को लेकर के, ठीक है। लेकिन अगर भविष्य में कभी भी अगर Xiaomi अपनी नीति में बदलाव करता है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये आपको सर्विस जो है आपको नहीं दे पाएगा UMT, और जब तक इसका कोई नया समाधान ना निकाले UMT टीम तब तक आपको वेट करना होगा। इन्होंने 6 नंबर पे साफ साफ कह दिया है, ठीक है। और दूसरी बात, 5 नंबर पे इन्होंने साफ कह दिया है कि जो है अगर मान के चलिए बीच में सर्वर ऑफलाइन होता है और जब तक सर्वर ऑनलाइन ना हो तब तक आपको वेट करना होगा। ऐसे में अगर आपको शर्त इनकी मंजूर है तो आप क्रेडिट ले सकते हैं, और अगर आपको शर्त मंजूर नहीं है तो आप क्रेडिट ना लें, ठीक है। क्योंकि इन्होंने 5 नंबर पे कह दिया है कि सर्वर बीच में ऑफलाइन हो सकता है और ऑनलाइन होने तक का आपको वेट करना होगा, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपको मंजूर है क्रेडिट लें, अगर मंजूर नहीं है तो क्रेडिट ना लें। लेकिन अगर आप क्रेडिट ले चुके हैं तो आपका क्रेडिट बर्बाद नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे ही इसका कोई समाधान UMT टीम निकालेगा तो आपका क्रेडिट यूज हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप क्रेडिट ले चुके हैं पहले से तो आप जब UMT टूल ओपन करते होंगे तो आपको एक मैसेज देता होगा, जब आप किसी मोबाइल को बुक कराते होंगे तो यहाँ पे लिखता होगा सर्वर ऑफलाइन लिखेगा, या कभी सर्वर आपका कनेक्शन एरर लिखेगा, ठीक है, कभी सर्वर बिजी लिखेगा। तो ये सब जो है प्रॉब्लम है, सर्वर सही होने का वेट करें, आपका जो क्रेडिट है वो लॉस नहीं होगा।